सभी मित्रों को, सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर स्वच्छकार समाज की आवाज में, और मेरे साथ आप हैं स्वच्छकार समाज की आवाज यूट्यूब चैनल, जो आज फेसबुक लाइव कर रहा है। मैं डॉक्टर कौशल पवार तमाम पैनलिस्ट का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है झारखंड, झारखंड का स्वच्छकार समाज और जाति प्रमाण पत्र, क्या आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो सामाजिक न्याय के सवाल पर बहुत सारे सवाल या निशान करता है। एक ऐसा तबका, एक ऐसा समुदाय जो सर्टिफिकेट से आज भी वंचित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संवैधानिक अधिकार जो उन्होंने हमें दिया था, समानता का अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, ये तीनों जो मूल मंत्र हैं, आज हमें वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद नजर आते हैं। खासकर तब जब हम शिक्षा की बात करें, वहाँ शिक्षा खासकर एक एक समुदाय जो वंचित है समाज में, उस वंचित वर्ग में अगर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रमाण पत्र ही नहीं होगा तो वो कैसे दरवाजे तक पहुंचेगा। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे पास हैं जो विस्तार से हमें जानकारी देंगे, सोहन कुमार जी, राहुल जी, एडवोकेट पंकज जी, संदीप कुमार जी, अजय पवार जी और रवि जी। मैं तमाम पैनलिस्ट का स्वच्छकार समाज की ओर से स्वागत करती हूँ। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो ये कि ये केवल झारखंड की बात नहीं है, संपूर्ण भारत में आजाद भारत के बाद जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों के तहत जो हमें अधिकार मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें छूटते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमने आज की इस चर्चा में आप सबके बीच में एक सवाल खड़ा किया है कि क्या वजह है कि अगर हम संवैधानिक अधिकारों को ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने का जो एक बुनियादी जो एक प्रमाण पत्र हमारे सामने होना चाहिए वो अगर हमारे पास नहीं होगा तो उसके कारणों की तलाश करनी चाहिए। इसलिए उन कारणों की तलाश हम कर पाए आज हमने इस चर्चा को रखा है, जिसका विषय है झारखंड का स्वच्छकार समाज और जाति प्रमाण पत्र। सोहन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वच्छकार समाज के वर्तमान में सबसे बड़ी क्या समस्या है, खासकर झारखंड के समुदाय में। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैम, कि अगर झारखंड में देखा जाए तो स्वच्छकार समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के लिए हमारे लोगों को एक तो पहला चीज है कि हमारा एजुकेशन, हमारा जो कास्ट है, मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ या वाल्मीकि समाज या भांगी समाज, जो आर्थिक तौर पे भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे और इनकी जो सरकारी सहायता मिलती है इन्हें, वो भी इनके आगे ये आड़े आ जा रही है ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने का। एक तरह से अगर जाति प्रमाण पत्र ना बन पाना ही, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाना ही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है झारखंड में, क्योंकि अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पा रहा है, ना ही वो एजुकेशन के सेक्टर में और ना ही वो नियोजन के क्षेत्र में ही, ना ही उनको इसके साथ ही साथ जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। जैसे स्कॉलरशिप, जो कि एक जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सोहन, मैं आऊंगी आपके पास इस सवाल पे भी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सा खास वर्ग है जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। ऐसे तो झारखंड के तौर पे तो मैम जिनके पास जमीन या लैंड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिनके पास खतियान नहीं है, मेनली उन लोगों का कौन सा समुदाय, कौन सा है आप सीधा बताइए, समुदाय कौन सा है जो वंचित है। मैम इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सिर्फ वाल्मीकि समुदाय होगा जिसका झारखंड में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि भूमि ही वाल्मीकि समाज तो भूमि ही नहीं रहा है। ऐसे सुनने में तो मेरे ख्याल से ऐसे भी आया कि बहुत से ट्राइबल्स जो कन्वर्टेड होके मतलब ईसाई बन गए, और जब उनके जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था उनका में मतलब जाति के जगह पे ईसाई धर्म कर दिया गया, तो इनके वजह से उन लोगों को भी बहुत किसी को, मैंने देखा है कि उनमें से भी बहुत किसी को प्रॉब्लम हुई है इस विषय को लेकर। तो अगर मेरा माना जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वाल्मीकि समाज की समस्या है, इसमें और भी बहुत से कम्युनिटी है जिन्हें इन सारी समस्या को फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ डोम कम्युनिटीज है, उनको भी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है।
उसी तरह से कुछ ट्राइबल है जो कन्वर्ट हो चुके हैं और जिनका कागज पत्तर में या कागजी कार्रवाई में उन्होंने अपनी जाति के जगह अपने अपना धर्म ईसाई लिखा गया, क्योंकि अनएजुकेटेड होने का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पर क्या चीज लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल से जो भी भूमिहीन रहा है उन सबकी समस्या है। लेकिन हाँ, मेनली अभी तक देखा जाए तो वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी समस्या है, और ये अगर इस पर आगे आकर इस चीज को विषय पे लड़ भी रहा है सरकार से, ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा भी रहा है, लेकिन बाकी कम्युनिटीज अभी इस पर शांत है। आप ये कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो है झारखंड का, रांची का और आसपास के क्षेत्र का, क्योंकि वो लैंडलेस है इसलिए उनको उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, या साथ ही साथ आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो कन्वर्टेड हो चुकी है ईसाई में, उनका भी नहीं बन पा रहा? इसके जी अलावा कोई और कोई जाति है खास, कोई वर्ग जिसका जाति प्रमाण पत्र बनने में कोई दिक्कत हो? आपकी ऐसे तो सर जानकारी मेरे अगर आपको मेरे पता हो। नॉलेज मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा, संदीप जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सोहन जी का जैसे मानना है कि जो वाल्मीकि समुदाय है झारखंड का, स्वच्छकार यस समाज मैम। जिसको हम कहेंगे, ऐसे सर्टिफिकेट कब यस से मैम। नहीं बन पा रहा और क्या कारण है? मैम 2016 से पहले ऑफलाइन ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, बट 2016 के बाद से जब रघुवर दास की सरकार आई तो उसने इससे पहले जितना भी जो सर्टिफिकेट बना था वो सारा को रद्द कर दिया, और उसके बाद उन्होंने एक कट ऑफ डेट निकाल दिया कि जिसके पास 1950 का कोई गवर्नमेंट पेपर होगा तो उसी के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बन पाएगा, और हम लोग के पास तो वैसा कोई पेपर है नहीं 1950 का, जिस कारण से हम लोग का जो उससे पहले जो डॉक्यूमेंट बना था मेरा खुद संदीप, 2000। मैं बीच में आपको टोकने से यस मैम। का अनुरोध कर रही हूँ, वो ये कि 1950 का कौन सा डॉक्यूमेंट, किस चीज के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो आप? कि आप झारखंड में 1950 से रहते हुए आ रहे हैं और मतलब जिसमें कि आप, आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हो? थोड़ा हाँ सा विस्तार से बताइए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, थोड़ा सा आराम से बताइए 1950 का डॉक्यूमेंट कौन सा। मतलब कि उनका ये कहना है कि हम कैसे माने कि आप 1950 से झारखंड में रहते हुए आ रहे हैं। मैंने सीओ से भी बात किया था तो उनका साफ साफ कहना था कि 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद से हम कैसे मान ले कि आप लोग 1947 के 2 साल के अंदर में झारखंड में आके बस गए। तो मेन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि हम लोग के पास 1950 से झारखंड में स्थायी तौर पे रहने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, चाहे वो राशन कार्ड हो, बिजली बिल हो या लैंड रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है 1950 से पहले का जो हमको ये बताए कि हम झारखंड में स्थायी तौर पे 1950 से रहते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ उसमें जाति भी अंकित हो, ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं वाल्मीकि समाज के पास। क्योंकि अगर हम लोग माइग्रेट भी होके आए हैं तो हम लोग माइग्रेट होके आए तो रोजगार की तलाश में आए थे माइग्रेट होके, क्योंकि भूमि तो हम लोग के पास वहां पे भी नहीं थी और यहाँ पे भी आके हम लोगों को काम करना पड़े, और वैसे तो अमीर है नहीं हम लोग कि आते के साथ हम लोग जमीन ले लेंगे, या सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना उस टाइम बड़ा मुश्किल था मैम, सरकारी डॉक्यूमेंट अभी भी बनाना काफी मुश्किल है, और 1950 के पहले का डॉक्यूमेंट खोजना ये कोई लॉजिकल बात मुझको नहीं लगती है। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने, लेकिन अभी भी क्योंकि एडवोकेट पंकज जी भी हमें बीच में सुन रहे हैं, वकील साहब आपकी आवाज मुझे नहीं सुन, आप मेरी आवाज आपको आ रही है वकील साहब? क्योंकि आपके पास आऊंगी फिर मैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि आप वकालत करते हैं, आप लोगों को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी होगी संदीप से, मुझसे या तमाम लोगों से, आपके पास मैं आऊंगी। हाँ, आपके पास मैं आऊंगी। संदीप जी, एक बार और मैं आपसे ही जानना चाह रही यस हूँ मैम। कि आपने जो कहा कि 2016 से पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाता था, यस तो मैम। 2016 के बाद का लॉजिक कि 1950 से पहले का आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाइए कि आप रेजिडेंट मतलब झारखंड में रह रहे हैं या नहीं, लेकिन जो 1900 जिनके 2016 से पहले सर्टिफिकेट बन चुके हैं और आपने तो जैसे कहा कि वो रद्द भी हुए, तो जो हाँ। तमाम जो संवैधानिक जो सुविधाएं हैं जो हम रिजर्वेशन के आधार पे लेते हैं या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके रिजर्वेशन के आधार पे लेते हैं, तो क्या वो भी साथ ही साथ रद्द हुई? वो सारा चला गया मैम। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने एमएससी किया है और अभी मैं बीएड कर रहा हूँ, ठीक है,
बीएड करने के बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज, बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया, प्राइवेट कॉलेज में। अब वहां पे ये था कि मैं मुझे जनरल कोटा में एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट था नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया साथ में मिलकर हम लोगों ने कि बन जाए किसी भी तरह से, शिक्षा के लिए ही बन जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इस वजह से मुझे जनरल कोटा में एडमिशन लेना पड़ा और लगभग आपका ये बोल फर्स्ट सेमेस्टर में 40,000 स्कॉलरशिप आता है एससी कम्युनिटी को बीएड करने के तौर पर। तो मेरे क्लास में जितने भी है एससी कम्युनिटी के, उन सबको 40,000 रुपीज अकाउंट में आए, बट मुझे उसका लाभ मिला मिल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं, मैंने जनरल कोटा में एडमिशन ले नहीं पाया। तो इस वजह से मुझे वो जो 40,000 रुपया है उसका लॉस हुआ, लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में साथ बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आ रहे हैं जो हम भर नहीं पा रहे हैं। संदीप, मैं एक एक चीज एक सेकंड के लिए आपको एक बार यस और मैम, पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ग्रेजुएशन तक आपने फिर जनरल कोटे से किया या एससी कैटेगरी से किया? नहीं मैम, उस टाइम तो मेरे पास ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट था 2008 का बना हुआ, वो अच्छा कास्ट सर्टिफिकेट मेरा चला आपका एमएससी तक चला, वो कास्ट सर्टिफिकेट 2014 में मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था, तो तब तक मेरा एडमिशन एससी कोटा में ही हुआ था क्योंकि पहले उस टाइम ऑफलाइन चल रहा था। ठीक, हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वकील साहब, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि तमाम स्टेट में, हरियाणा में, और विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, विवेक भी ये जानते हैं, सर्टिफिकेट अगर एससी का बन जाता है एक बार, तो वो वैलिड ना वैलिड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कानूनी तौर पे इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी सीधा सा। मैं इससे मिलता जुलता एक और सवाल ले लेती हूँ। अजय पवार जी, अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अजय जी, अजय जी मुझे लगता है हम मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं आपके पास आना चाहूंगी दोबारा फिर से। सोहन, सोहन अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताएं कि जैसा कि संदीप जी ने कहा कि 2016 से पहले आपके पास अगर ऐसे सर्टिफिकेट था और वो 1950 वाला जब लागू होता है तो वो इनवैलिड एक तरह से हो जाता है, तो जी मुझे ये बताइए कि अगर इसका आधार हम ये माने कि जैसे कि रघुवर दास की जो सरकार थी उन्होंने ये कहा कि आप 1950 से पहले ये सिद्ध करेंगे अपने आप को कि आप झारखंड के रेजिडेंशियल हैं, आप इस सवाल का जवाब आप रवि भी दे सकते हैं। रवि, अगर आप अनम्यूट कर लें अपने आपको, और सोहन भी इस सवाल के जवाब, दोनों, मैं चाहूंगी कि दोनों में से एक जना जरूर इसके ऊपर सवाल का जवाब दे। सोन, आपसे भी मेरा सवाल है ये कि जो एक तरह से जो आपके पास तमाम जो जो मान लीजिए माइग्रेट करके भी आए हैं, मान लीजिए आप हरियाणा से झारखंड में आना शुरू हुए और यस झारखंड में मैम, आपने रहना शुरू किया, 2016 तक आप झारखंड में रह रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट पहले बन चुका, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, मान लीजिए अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वोट का, जो वोट आईडी कार्ड बनता है, अगर वो भी नहीं बनना चाहिए फिर आपका, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर मैं झारखंड के परिवेश में देखता हूँ कि जब आप मुझे मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व का अधिकार ही नहीं दे पा रही है झारखंड सरकार, तो मेरे ख्याल से जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये सब निरस्त कर देने जाने चाहिए। हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमें तो वोट लेकिन देने आप का तो वोट अधिकार है। दे के सरकार को चुनते आए हो भाई, तब हाँ हाँ मैम, वही तो आप मैं कैसे, कह मतलब आप सरकार को कैसे चुन सकते हो फिर, तो वही अगर तो मैं आपके कहना पास चाह रहा तो हूँ। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही नहीं है? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए अपने आप को कि जी आप झारखंड के निवासी हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप झारखंड के निवासी हैं ये सिद्ध करिए, और वो है आपका रेजिडेंशियल, लेकिन यहाँ आपका वोट बना हुआ है, तो जब आपके पास वोट बना हुआ है तो आप कैसे, ये दोनों चीजें कैसे? रवि जी, रवि जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए और मुझे बताइए इसी सवाल के जवाब दीजिए, ये सवाल का जवाब। रवि जी, हेलो हाँ रवि जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। मैम, सवाल रिपीट करना मैं पर जी हाँ, सवाल रिपीट करूँ आपके लिए? जी हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब अगर आपके पास 1950 पहले का रेजिडेंस है ही नहीं, तो आप वोट का अधिकार कैसे इस्तेमाल करते हो? मैम,
क्योंकि मैं भी झारखंड में अभी नया नया आया हूँ, मैं प्रॉपरली हरियाणा से हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आया, जो मैं यहाँ की स्थिति में जो देख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ स्थिति जो ये है, एक स्थिति यहाँ जो लोग अपने समाज है उन लोगों का इकट्ठा नहीं होना सबसे मेन कारण यहाँ का ये यह है। हाँ हाँ क्योंकि जब बोलिए, तक यहाँ पर जो क्या अपना बता रहे हैं सर। क्योंकि जब तक यहाँ पर वाल्मीकि समाज अपना इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा होगा अपनी मजबूती नहीं दिखाएगा, तब तक किसी के सामने रोएगा नहीं, अपनी आवाज नहीं पहुंचाएगा, तब तक उन लोगों की बात आगे तक पहुंचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब तक उनका काम कैसे होगा? क्योंकि यहाँ सभी लोग एक तरफ बटे हुए हैं, मुद्दा उनका सेम है, कोई किस लाइन से जा रहा है, कोई किस लाइन से जा रहा है। पंकज जी, आप वाल्मीकि अपना समाज आपको अनम्यूट कीजिए, पंकज जी अनम्यूट कीजिए। यही सवाल का यस जवाब मैम, मैं आपसे मांगना चाह रही हूँ। आप क्योंकि वकालत करते हैं, आपने कानून भी पढ़ा है, ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है कि आप 1950 से भारत 1947 में आजाद हुआ है? जी, बिल्कुल ये विरोधाभासी है। और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंकज कुमार रवि झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। वर्तमान में मैं एक्सिस बैंक में लीगल मैनेजर हूं, और बामसिप जो एक ऑफशूट विंग है, मैं उसका मूल निवासी स्वयं मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए सोशल एक्टिविटी में भी हमारी जो पहुंच है या जो हमारी एक्टिविटी है वो अच्छी खासी रहती है। तो एक जो आपने मैम ये जो पहला आपका जो सवाल है वो बहुत ही संजीदा है, और ये जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो सवाल आया है वह चूंकि झारखंड जब 2000 में बिहार से अलग हुआ था तो उस समय यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण अलग हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ हुआ तो उसके बाद जो लोग यहाँ पहले से रह रहे थे उनके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि ये आरएसएस के जो गढ़ था, आरएसएस का ज्यादातर लोग यहाँ रहते थे, तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो लोगों को एक वोटर आईडी कार्ड बना था, लेकिन वही जहाँ जहाँ शेड्यूल कास्ट में सिर्फ वाल्मीकि ही नहीं बल्कि कुछ और भी जातियां एक दो, जैसे आपका एक तूरी जातिया जो है उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस पंकज तरह जी, के एक आप जिस तरफ जा रहे हैं, मैं जो जानना चाह रही हूँ, मैं चाहूंगी कि राहुल जी इसका जी जवाब दें। राहुल जी, मेरा सीधा सवाल है, मैं जो जानना चाह रही थी वो सीधा ये है कि आपके पास 2016 से पहले जो सर्टिफिकेट था वो इनवैलिड कैसे हो जाता है 2016 के बाद? इसका मुझे सीधा जवाब दीजिए। वो तमाम ठीक है, संगठनों में चल रहा है काम, दूसरी जातियों की भी समस्या हो सकती है, हमने सोहन से भी पूछा है। मुझे सीधा इसका जवाब दीजिए कि 2016 में इनवैलिड कैसे हो जाता है, संदीप जी बता रहे हैं आपके सामने। जी मैम 2016 की बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ, 2016 में एक नियम आया था कि जो भी पुराना जिसका डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाता है। ये सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जो भी 2016 से पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया है उनका इनवैलिड हो जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंट अब नहीं नया बनेगा उनका खतियान के आधार पर बनेगा, या तो पुराना वो डॉक्यूमेंट दिखाए कुछ या तो वो खतियान दिखाए, यही दोनों डॉक्यूमेंट में से किसी से बनेगा। तो मैं बताऊं अपना, मैं 2 साल से अभी कचहरी का चक्कर काट रहा हूं, और मेरे पापा अभी सर्विस में है, चपरासी के पोस्ट में, उनका सर्विस बुक भी मैंने दिया, पार्षद से मैंने सर्टिफिकेट लगा के दिया, समाज से लेटर लगा के दिया, और भी बहुत तरह की प्रक्रिया मैंने की थी, लेकिन आज तक मेरा सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बन पाया है। लेकिन ये जो नियम बना है ये नियम वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब 2016 में जो नियम आया था कि जांच के आधार पर जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसको बना के देना है, और ये जांच के आधार पर भी ये बना के नहीं दे रहे हैं, तो यही चलते आ रहा है मैम अभी। हेलो, राहुल, एक चीज और बताइए मुझे, हाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब हाँ मैम, स्टूडेंट एडमिशन लेता है, वो अगर खासकर वाल्मीकि समुदाय की मैं बात करना चाह रही हूँ, कि जब एडमिशन लेता है तो आपको, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या जनरल कोटे से एडमिशन लेता है फिर? मैम मैं अपने बता दूं, मैं 2017 में एमबीए किया था, और उससे पहले जो भी मेरा मैनुअल जो डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट था वो ने दिया, उससे मेरा काम हो गया था, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जो है अभी अभी की सिचुएशन ये है कि अभी एडमिशन नहीं हो पा रही, बच्चे लोग की एडमिशन वो लोग खोजते हैं कि जो भी होगा सर्टिफिकेट वो 2016 का जो नियम है या जो भी खतियान होगा उसी के आधार पर होगा,
बाकी अभी जो भी स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं वो अभी जनरल कोटा में ही मतलब ले रहे हैं, मतलब एडमिशन हो रहा है उनका, अगर या तो उनका नंबर अच्छा है तभी एडमिशन हो रहा है, नहीं तो वो फिर ऐसे ही कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। सोहन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मुझे ये बताइए कि अगर जनरल कोटा में एडमिशन लेता है स्टूडेंट, जो स्कॉलरशिप दी जाती है वेलफेयर ऑफिस की तरफ से या तमाम जो सुविधाएं, जैसे जो अभी एक तरह से पीडीएस के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं और उनका लाभ जो एससी कैटेगरी को मिलना चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है बना हुआ वाल्मीकि समुदाय के पास, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं वो, ये दोनों योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है? मेरे ख्याल से तो मैम सिर्फ हमें लोगों को सिर्फ रिजर्वेशन पे ही रोका जा रहा है, लेकिन बाकी सारी जो सुविधा है, जो मुख्य मुख्य सुविधा जैसे राशन कार्ड के बारे में आपने कहा या मुख्यमंत्री आवास योजना कहा, वो सब का लाभ मिल जा रहा है, क्योंकि जैसे मेरे हो रहा है फिर मैं ये जानना चाहूँ वो काउंट किस में किया जाता है फिर, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, मैं हूँ, मेरे पास मुझे कोई सरकार के केंद्र सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की योजना का लाभ लेना है, ठीक है, एक एससी होने के नाते वो लाभ मिलेगा मुझे, एससी कैटेगरी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जो एससी कैटेगरी के लिए योजनाएं संचालित होती हैं केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा, वो योजनाएं किसके तहत फिर दी जा रही है, कैसे मिल रही है आपको जब आप एससी कैटेगरी में अपने आप को प्रमाणित ही नहीं कर पा रहे कि आप एससी हैं? वो तो मैम नहीं मिल पा रही है, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो वो नहीं मिल पा रही, लेकिन बहुत किसी कुछ लोगों का बहुत, जैसे मैं जिस बीआईटी मिश्रा में रहता हूँ उन लोगों का, मैंने सभी का, जितने भी फैमिलीज रह रही है सभी का राशन कार्ड मैंने अपने दम पर बनवाया, विधायक से मिलकर मैंने सभी का राशन कार्ड बनाया। उनके बाद जब उज्ज्वला योजना जो सरकार की एक बहुत, जिसका सरकार बखान करती है कि बहुत ढिंढोरा पीटती है कि बहुत ही अच्छी योजना थी, उसके तहत जब सभी को एससी कैटेगरी को और जो अति ये आदिवासी वर्ग है उसको जब गैस देने की बात आई, तो उस समय सभी का जाति प्रमाण पत्र मांगा गया, वहां पर हमारा समाज इस योजना का लाभ नहीं ले पाया क्योंकि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन उसमें फिर अधिकारी लोगों ने मिलकर ये किया कि एक ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करने का, मतलब सीओ अपने स्तर पर एक उज्ज्वला योजना के लिए स्पेशली एक डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है, उसमें उसका जाति मेंशन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों में से मेरे ख्याल से किसी ने भी उस योजना का लाभ नहीं ले पाया। हाँ, लेकिन राशन कार्ड सभी का बना हुआ है और पीडीएस की सुविधा लगभग सभी लोग ले ही रहे हैं यहाँ पर झारखंड में। निशा जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कितने सारे संगठन दलितों के हैं, और अभी पंकज जी ने अपने परिचय में भी बताया बामसेफ का नाम भी लिया और तमाम संगठन, इन संगठनों के हुए भी अगर एक खास समुदाय का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा तो क्या है? क्या वो संगठन मुद्दों की राजनीति नहीं करते थे या जस्ट वो सिर्फ नाम के संगठन बने हुए? जयभीम कौशल और सभी सम्मानित पैनलिस्ट और हमारे साथियों को मेरा प्रणाम। एक मिनट बाबू में बात करूं प्लीज। छोटा बेबी है, कोई बात नहीं, बच्चे बीच में आ जाए, हम महिलाएं हैं, हम घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं और समाज की जिम्मेदारी भी संभालते। जी मैम तो बताया गया कि हमारे आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। निशा, अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? थोड़े से नजदीक रखिए अपने आप। हमारे समुदाय की जो ये जाति प्रमाण पत्र की जो ये, तो हमारे समुदाय के जो लोग है जाति व्यवस्था के हमारे लोगों को हमेशा गांव कुछों के बाहर रखा गया है, हमारे लोगों की बच्चे। निशा, आवाज कम आ रही है, आप सबको आ रही है निशा जी की आवाज? मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है। निशा, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, आप थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश। हाँ, लाउड बोलिए। तो हमारे जो लोग हैं इन लोगों को हमेशा गांव कुछों से बाहर हमारे लोगों की बस्ती होती है, तो हमारे लोगों को आगे ना आने देने के लिए भी एक ये जो षड्यंत्र है जिसके तहत हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में बहुत सारी दिक्कतें ये लोग पैदा करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो 1950 से पहले का
आप यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हो इस चीज का आपको जो प्रूफ देना होता है, जबकि महाराष्ट्र का निर्माण ही 1961 में हुआ है। यहाँ भी यही है ना, अभी जो संदीप जी ने कहा था कि 1947 में तो हम आजाद होते हैं, झारखंड बनता है, उसके बाद बिहार के बिहार के हिस्से से कट के, तो आप ये कैसे मान लें कि 1950 से पहले का रेजिडेंस प्रूफ आप दीजिए। वही कह रहे हैं ना, हमारे लोगों को व्यवस्था से बाहर राजनीति हो, समाज कारण हो, अर्थ कारण हो या शिक्षा हो, ये सभी से हमारे लोगों को बाहर रखने का ये एक षड्यंत्र है। ये जो हिंदू राष्ट्र की और हमारा जो देश जा रहा है ना, इसके अंतर्गत हम लोग आज भी अछूती है। आज जिस तरीके से चार वर्ण है वो शूद्रों से भी नीचे अति शूद्रों में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को आगे ना आने देने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये जो जिस तरीके से हमारे जो लोग है पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित है, अगर निशा निशा के पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, उनके दादाजी पढ़े लिखे नहीं है, तो निशा कहाँ से 50 साल पहले का जो है एक दस्तावेज लाके आपको दे देगी। तो अगर निशा के अंदर पढ़ने की एक लगन है, वो कुछ करना चाहती है, और हमारे जो उच्च क्या कहते हैं ना, उच्च जाति है, उच्च वर्णीय जो लोग है वो ये नहीं चाहते कि हम लोग आगे आए। तो डायरेक्टली तो अभी जातिवाद है नहीं, डायरेक्टली तो आपको ये नहीं कह सकते भंगी है थोड़ा, हालांकि ये भी हो रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखा वर्ग है उसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसकी जो है क्या कहते हैं ना, उसके हक और अधिकार जानता है, उसके बाबा साहब को पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि मेरे हक और अधिकार में लड़के कैसे ले सकता हूँ। तो इनकी लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये जाति प्रमाण पत्र के लिए इतनी सारी जो इन लोगों ने लगा दी गई। मैं निशा जी पंकज जी के पास आती हूँ। पंकज जी, मान लिया जाए कि केंद्र की या राज्य की सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए नए कानून बना सकती है, हम एग्री हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी ओबीसी का जो विधानसभा में पहुंचता है, जाहिर सी बात है जो जितनी सीट्स जो रिजर्व कैटेगरी होंगी उसका रिप्रेजेंटेशन तो विधानसभा में पहुंचता ही है ना, ये तो आप सब जानते ही है। इसके बावजूद अगर सरकार ये बनाती भी है, मान लीजिए 2016 की सरकार ने बना भी दिया था, तो अब जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन दलितों का हमारा है, तो क्या वो ये कानून पास नहीं करवा सकते कि उस कानून को जो 2016 में बना दिया था उसको रिवर्ट करे? क्या वजह है? जी 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 हमारे यहाँ बिजली चली गई, इससे थोड़ा सा परेशानी है। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही बात है कि मैं निशा मैम से निशा मैम की बात से मैं सहमत हूँ। निशा जी को मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी जी मैं आपको बताऊँ, वही मेरा सवाल है आपसे कि क्या सरकार ये कर सकती है अगर हमारे नुमाइंदे जो रिप्रेजेंटेशन है झारखंड गवर्नमेंट में जो बाकायदा है वहाँ अभी हेमंत सोरेन की सरकार में, क्या वो उस कानून को, मान लीजिए 2016 में सरकार ने कानून बना भी दिया, रिपीट कर रही हूँ सवाल, मान लो बनाया भी है, तो अभी जो वर्तमान की सरकार है उसमें जो हमारा जो एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो उस कानून को रिवर्ट करवा सकता है? अगर कर तो नहीं करवा रहा, क्या वजह है? जी जी बिल्कुल, अभी जो वर्तमान सरकार है वह इस काम के नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो बढ़ा सकती है अगर चाहे तो, कि शेड्यूल कास्ट से भी रिजर्व सीट से चुनकर जो सांसद या जो विधायक जो चुनकर गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जी वो चुनकर गए हैं, वह इस सोच से नहीं गए हैं कि मुझे शेड्यूल कास्ट में जो भी जो लोअर कास्ट जो अभी नहीं पहुंचे उसको मुख्य धारा में लाना है, तो उनकी जो सोच है वह एक कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा प्रेरित होकर वहां गए हैं, इसलिए वो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर हम हेमंत सोरेन को अगर हम एक लिखित में प्रतिवेदन दे और इस पर अगर प्रेशर डाले, तो हो सकता है कि इस पर कोई कानून सामने आवे। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हो सकता है कि इस पर हम लोग एक आवेदन देना चाहिए ताकि ये काम आगे बढ़ सके। लेकिन अगर जो हम अगर नेता के ऊपर विश्वास रख के चले कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, तो दैट मीन ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सोच जो है ना वो अपने समाज के प्रति नहीं है,
और अपने समाज के जागृति या समाज को ऊपर लाने के प्रति नहीं है, क्योंकि पूरा पैक्ट में हमारे अधिकार को ये जो पूरा सारे अधिकार को छीन लिया गया है, और जो प्रतिनिधि चुन करते हैं वह और खुशी है। इसलिए मैं राजनेताओं को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ हमारे समाज को कुछ करेंगे, और अगर हमारे समाज ने अगर कुछ करना है तो अपने समुदाय के लोगों को ही कर वहाँ भेजना होगा, तभी वो कुछ हो पाएगा। जी प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रमोद जी आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। प्रमोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी वीडियो लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, अब आ रही है मैडम। हाँ जी जी बोलिए। सभी को सबसे पहले जय भीम। ठीक है, जो पंकज रवि जी अभी जो बोल रहे थे कि हम लोग क्यों किसी विधायक और किसी सांसद के भरोसे बैठे, ठीक है, तो मेरे विचार से भी एक लिखित प्रतिवेदन हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को समर्पित करना चाहिए, और जिस विधायकों की और जिस सांसदों की बात कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए कि जनता सबसे बड़ी ताकतवर होती है, तो उन्हें हम ही लोगों के वोट से वो वहां पहुंचे, भले आज वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम उतने पढ़े लिखे हैं, उतने सभी लोग सक्षम है, हम लोग एक लिखित दे सकते हैं और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री जी से को ये अवगत करा सकते हैं कि हमारी ये सत्ता चलती आ रही है। ठीक है, और इसके पहले भी मैडम आपने एक प्रश्न उठाया था कि 1950 में 47 में आजादी मिली, 2000 में झारखंड बना, उसके पहले बिहार था, तो जब 2000 में ही झारखंड स्टेट ही बना है 2000 में, तो हम यहाँ मैंने 20 साल 30 साल पहले का डॉक्यूमेंट आए गए ही था, ये तो पूरी तरीके से इलॉजिकल बात है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री हूं मैं। मेरा सजेशन यही है कि एक लेटर ड्राफ्ट किया जाए और जितने भी हमारे एरियाज है रांची में या जो भी इस बने भारत में जहाँ जहाँ पे है, तो वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करके प्रतिवेदन बना के एक कंसोलिडेट करके एक वहाँ सौंपते हैं। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात है, जो रिप्रेजेंटेशन हमारा विधानसभा में पहुंचा है उनकी तरफ हमें जरूर जाना चाहिए। वो क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ही ताकत इतनी नहीं है, आपके आंदोलन ऐसे अभी तक उस मात्रा में नहीं हो पाए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और रवि जी ने यहाँ मेरे ख्याल से किसी ने कहा था मोबाइल कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में ही इतने बटे हुए हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। मेरा कहना है कि इस बात को विधानसभा तक ले जाना तो एक चलिए सेकेंडरी ऑप्शन है, अभी सरकार के 2016 के नोटिफिकेशन में जब ये प्रोविजन है कि अधिकारी सीओ अपने स्तर पर जांच कर जब सर्टिफिकेट जारी कर सकता है तो वो जारी क्यों नहीं करे, हम सीओ पर या अधिकारी पर प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि वो अपने स्तर पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, जबकि ये प्रोविजन है बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अधिकारी इस काम को करना नहीं चाह रहे, अधिकारी कहीं ना कहीं इस चीज से बचना चाहते हैं। जानना चाह रही हूँ एक चीज और, आपसे जानना चाह रही हूँ अभी तक के आपके प्रयास क्या क्या हैं, आप तो यंग हैं, स्कॉलर हैं, आप भी संदीप जी भी, तमाम युवा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने इस पैनल को भी युवाओं, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा युवा कर सकता है, इसलिए हमने तमाम पैनल में युवाओं को लिया। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है इस मुद्दे के लिए। संदीप के पास भी मैं आना चाहूंगी कि आप लोगों का अनुभव इसमें क्या रहा, पहले सोहन को सुनते हैं। जी सबसे पहले तो मैम हमने अपने स्तर पर हम लोग जो भी स्टूडेंट है उसके लेवल पर काम किया, जब उस पर काम नहीं हुआ तो हमने अपने समाज के जो सीनियर मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात की, और जिनका थोड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी रहा है जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसी बीच में हमारा ही मुलाकात अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भगत वाल्मीकि जी उनसे हुई, उनके प्रतिनिधित्व में हम लोगों ने इस काम को किया, हम लोगों ने SDO से मिला, उन्होंने फिर सरकार को दिया उस समय की मतलब 2000 उस समय की रघुवर सरकार में ये मुद्दा उठाया, तो उस समय अवर सचिव के ओर से बकायदा ये नोटिफिकेशन निकल के आया जिसका मेरे पास प्रूफ भी है कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कंडिका 13 में स्थानीय जांच के आधार पर भंगी जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, इसके आधार पर DC ने SDO को लेटर दिया कि इनका एक कैंप लगाया जाए उनमें इन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा किया जाए और डॉक्यूमेंट लेकर इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जो प्रोसेस है उसका स्थानीय जांच किया जाए।
इसी में फिर कैंप लगा, उसमें डॉक्यूमेंट जमा हुए, हमारे 5 अंचल में हमारे मुख्य रूप से हमारे लोग रहते हैं उनका कैंप लगा, उसमें डॉक्यूमेंट हुआ, वो एक पिछले साल दिसंबर में वो जमा हुआ था और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया उसका उस बात को, लेकिन अधिकारी ने उसमें कोई अभी कार्रवाई नहीं की है। और इसमें जैसे राहुल जेदिया है, उनका तो यहाँ तक है कि अंचल अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच कर ली, लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक क्लॉज है कि उस जो जांच है उसको नगर निगम में भेजना होगा, शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में जब आप नगर निगम जाएंगे तो वहां वार्ड समिति स्थानीय जांच करेगी और नगर निगम में वार्ड समिति नहीं है, तो इस वजह से भी हमारा काम अटका हुआ है। सीओ ने नगर निगम से ये हमारे अंचल अधिकारी को ये आ चुका है कि नगर निगम में अभी वार्ड समिति नहीं बनी है और वार्ड समिति नहीं बनी है और सीओ ने ये हमारे अनुमंडल अधिकारी को ये एक लेटर भेज दिया, तो अभी हमारा चक्कर लगा हुआ अनुमंडल अधिकारी से। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि निचले स्तर पर ये काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप देख ही रहे, अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, अगर हम इसे लंबा खींचे इस प्रोसेस को, या इसमें अब हम कानूनी कार्रवाई पे जाए या विधानसभा जाने की बात कहे या हम मुख्यमंत्री के और पे जाएंगे, तो इस काम में ये टाइम टेकिंग चीज हो सकती है, तो हम ये सारे फॉर्म से फिर बच जाएंगे, या तो हमें जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा या नहीं तो फिर या तो भरकर फिर हमें छोड़ देना होगा। तो इस तरह की बहुत, इसमें एक अच्छा फायदा है कि मैं एक कहना चाहूंगा मैम, हमारे अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे ही समाज के कांके विधानसभा से समरी लाल जो हमारे समाज से वो विधायक चुनकर आए हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है कि हमारा विधानसभा में भी अपनी आवाज उठाने का हमें एक व्यक्ति मिला है जो कि समाज को उठा सकता है। लेकिन इधर अभी जो देश की स्थिति है उसके वजह से, हाँ उनके सामने भी यही प्रॉब्लम है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र को लेके उनमें भी शायद कुछ लीगल कार्रवाई चल रही है, उनपे भी कुछ समस्या है क्योंकि उनके पास भी जो जाति प्रमाण पत्र वो पहले का है, अभी रिसेंट कौन के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है विधायक के पास। तो मैंने तो अधिकारी से ये तक कहा है कि जब निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उन्होंने उनके जाति प्रमाण पत्र को वैलिड मानते हुए उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, अगर उनमें कहीं कुछ कमी होती तो निर्वाचन आयोग ने उनका नॉमिनेशन निरस्त कर सकता था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। इस पे राय लेते हैं, राहुल जी आपको क्या लगता है, आप लोग इसका समाधान क्या सोचते हैं, क्या समाधान होना चाहिए? राहुल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने म्यूट किया हुआ है जी। राहुल जी हाँ मैम बोली जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि सोहन जी जो बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, आपको क्या लगता है? मैम अभी तो हम लोग 2 साल से यही चक्कर लगा रहे हैं, 2 साल से कभी SDO कभी DC कभी CO कभी नगर निगम यही सब कर रहे हैं मैम, अभी तो नहीं लगता ये लोग कुछ काम करेंगे, बस ये इनको लेटर देते हैं, वो उनको लेटर देते हैं यही मतलब हो रहा है। नियम के जो नियम है 2016 में जो नियम बना हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये लोग भी उस पर भी मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, बस ये बोल देंगे वो करेंगे वो बोल देंगे वो करेंगे, जबकि SDO ने लेटर दिया है CO को कि आपको जांच के आधार पर आपको बनाना है, लेकिन ये CO भी कर नहीं रहे हैं, CO फिर SDO को लेटर भेज दे रहे हैं, तो मतलब यही प्रोसेस में हम लोग करते करते 2 से 2.5 साल अभी तक लग चुके हैं मैम, तो लेकिन काम नहीं दिख रहा कि कुछ आगे अभी कुछ काम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन जब तक नहीं होगा किसी भी चीज के लिए तब तक, क्योंकि निशा जी खुद महाराष्ट्र में यही प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तमाम लोग इसको झेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज झाड़ू का काम छोड़ के साफ सफाई का काम छोड़ के सड़कों पर नहीं उतर जाता, अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए सड़कों पर उतर जाए मुझे लगता है 3रे दिन ब्यूरोक्रेट आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑर्डर जारी करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चिट्ठी पत्री आप देख चुके 2 साल में, आप इस बात से खुद सहमत है कि 2 साल कौन लगातार, मुझे आज भी याद है मैं जब झारखंड गई थी रांची में आप लोगों ने जब मुझे इनवाइट किया था तब भी आप लोगों ने मुझे यही समस्या बताई थी और उस बात को ही 2 साल तो बीत चुके हैं, तो इतने उससे पहले भी आप लगे हुए थे,
तो मुझे लगता है कि सामाजिक दबाव के बिना तमाम सोशल मीडिया का इसका इस्तेमाल कीजिए, मेरा मानना है ये। मैं निशा जी से भी बल्कि ये जानना चाहूंगी कि जब तक आप देखे सरकार जो आज की जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन जी की, उनके कई चीजें पॉजिटिव है। वो दिल्ली हितैषी बन के काम कर रहा है तमाम मीडिया के माध्यम से। हम लोग तो दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग तो मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं। आप लोग क्योंकि झारखंड में रह रहे हैं, असली बात तो आप लोग जान सकते हैं। हम लोग तो जो दिखाई देता है सोशल मीडिया में, उस हिसाब से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन अगर आप सामाजिक दबाव सरकार के ऊपर नहीं बनाएंगे तो सरकार, भाई रोते हुए तो माँ भी दूध नहीं देती बिना धोए और रोए तो, आप ये कैसे मान लेंगे कि आपको अधिकार। और सबसे बड़ी बात एक बिल्कुल मतलब एक गहरी बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इस पक्ष पे आपको और समाज कोई मदद नहीं करने वाला, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ मैम, हाँ। आपके समाज का मदद आपके लिए दूसरे संगठन, दूसरे सामाजिक संगठन, दूसरे लोग आपके पास तब आएंगे मदद करने के लिए जब आप खुद उठ खड़े होंगे। जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे, खुद नहीं खड़े होंगे, कोई आपकी जिम्मेदारी को लेने नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी समस्या है भाई, आप लड़ेंगे इसके लिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसकी खाट के नीचे आग लगी हो उठ के तो वही भागेगा ना, दूसरा कैसे भागेगा, दूसरा भाग ही नहीं सकता। संदीप जी म्यूट कर लिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे ये बताइए कि सामाजिक आंदोलन किए बिना आप इसका सोल्यूशन कैसे देख सकते हैं? क्या जो जो हमारे तमाम दूसरे साथियों ने बताया वो रास्ता है, या ये जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से खासकर सामाजिक दबाव के मदद अपना खुद का वाल्मीकि समुदाय सामाजिक दबाव के माध्यम से सरकार को बाध्य करे, जो ब्यूरोक्रेट्स है जो बैठे हुए हैं उनको जब तक आप बाध्य नहीं करेंगे तब तक आपका समाधान नहीं होने वाला। और ये केवल आप जो पैनलिस्ट बैठे हैं चार पांच, ये इनकी समस्या नहीं है, तमाम आप उन युवाओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिनको यूनिवर्सिटीज में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, नौकरियों में अप्लाई करना है। एक तरफ तो सरकारें वैसे ही रिजर्वेशन खत्म कर रही हैं, दूसरी तरफ आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है उसमें लाइन में लगने के लिए, तो आप तो जनरल कैटेगरी में है, और जबकि जनरल कैटेगरी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही कि आप प्रतिभाशाली भी हैं, तो ये कैसे होगा? संदीप जी आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, फिर हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी अभी अभी तक तो मैम हम लोग ने पेपर वर्क करके देख लिया, पेपर वर्क करने पे क्या हो रहा है कि जो कर्मचारी है या जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारे पेपर को दबा दे रहे, वो उस काम को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। अभी तो ऐसा टाइम नहीं है मैम कि हम लोग कोई आंदोलन कर सके या समाज को इकट्ठा कर सके। वैसे भी हमारे समाज की ये बुरी आदत है कि सब अपने अपने में लगे रहते हैं, जब तक सभी को जरूरत नहीं होती कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। जब तक समाज आगे नहीं आएगा इकट्ठा होके, मुझे नहीं लगता कि ये इस सपोज मान लीजिए कि अगर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन भी जाता है किसी तरह से, मैंने बना लिया सीओ को प्रेशर करके, बट क्या ये सिचुएशन तो आगे आने वाली जनरेशन को फिर से होगी? तो मुझे इसका एक परमानेंट सोल्यूशन खोजना होगा ना, और वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमारे समाज को इकट्ठा होके आगे आके आंदोलन करना ही होगा। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय है। जी मैं एडवोकेट पंकज जी के पास आना चाहती हूँ। पंकज जी ये बताइए मुझे कि जो एक तरह से बड़ी समस्या हमारे सामने जो है, एक तरफ रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, तीसरी तरफ तमाम जो एट्रोसिटीज जो बढ़ती हैं दलितों के ऊपर, सबका सामना सामाजिक संगठन नहीं निकाल पाते, बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा, सामाजिक न्याय का सवाल कैसे सिद्ध होगा? जी पंकज जी। जी मैम आपका आवाज जो है वो बीच बीच में खो रहा है, तो मुझे आपका सवाल पूरा रूप से सुनाई नहीं दे पाया, तो कृपया दोबारा सुनाने का एक बार कष्ट करें प्लीज। हाँ जी, तो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोर्ट के माध्यम से आप इसका कैसे समाधान देखते हैं? जी मैम ऐसा है कि ये जो समस्या है वो बहुत ही विकराल समस्या है। मैं रिपीट करती हूँ पंकज जी, दोबारा सवाल दूसरा पूछ रही हूँ मैं आपसे, कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या समाधान इसका निकाला जा सकता है? जी पहला तो मैम कि ये जो समस्या हमारे साथ वो बहुत विकराल समस्या है, और इसलिए एक जो ये तो हमारा फंडामेंटल भी राइट है
कि आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर हमको रिजर्वेशन भी मिले, लेकिन जब जाते ही प्रमाण पर हमारे साथ नहीं है तो रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस बात को जो संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में है, तो उसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एक रीट दायर कर सकते हैं और उस रीट के माध्यम से हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार को के लिए उसके लिए उसको पाबंद कर सकते हैं, उनके लिए प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो इस मुद्दे पर एक अस्थायी सोल्यूशन निकाले। और चूंकि ये जो समस्या सरकार में दिख रही है कि न्यायपालिका में भी जो लोग हैं वह मूल निवासी समाज का या फिर कहे अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग का एक भी जुड़ी में भी नहीं है, तो वहां समय झेलने को मिलती है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका में एक हमें विश्वास है और उस पर हमें एक रीट के माध्यम से एक इस पर हमें पहल करनी चाहिए और ताकि हम इस पर एक अस्थायी सोल्यूशन विधानसभा में कानून बना करके निकाला जा सके। विवेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेक, आप पूरे पैनल को सुन रहे थे, आपका कोई सवाल है इस पे, कोई टिप्पणी? मैम सवाल तो मैं नहीं करना चाहूंगा लेकिन कितनी जरूर करना चाहूंगा। हाँ जी मैम, मैम ये बहुत ही एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, ना केवल झारखंड के हमारे युवाओं के लिए, पर मैम ये एक तरीके से आने वाले दिनों में पूरे देश पर हमारे जो समाज के लोग हैं उनके लिए प्रश्न चिन्ह क्योंकि मैम यहाँ पर जैसे आपको भी पता है और दिल्ली में रहने वाले सभी हमारे समाज के लोगों को पता होगा कि दिल्ली में ऐसी फिलहाल में कोई समस्या नहीं है कि अगर आपका एक बार ऐसी या कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपको उसको रिन्यू करवाना होगा या फिर आपको उसको दोबारा बनवाना होगा। वो एक बार ही बन गया है तो वो एक बार ही मतलब परमानेंट हो गया वो लाइफ टाइम के लिए। बट अगर झारखंड में ऐसा हो सकता है तो जिस तरीके से आने ये जो मौजूदा सरकार है वो रिजर्वेशन पे एक तरीके से प्रकार कर रही है। हाँ जी निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या जानना चाहेंगे? निशा जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? झारखंड में जो है हमारे आपका कोई सवाल हो किसी भी पैनलिस्ट के साथ से? हमारे जो झारखंड में बच्चे पढ़ रहे हैं, आवाज कम आ रही है बहुत। आ रही है आपको मेरी आवाज ठीक से? हाँ जी हाँ बोलिए। झारखंड में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उच्च शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लोगों को जाति प्रमाण पत्र लिए ये समस्या आ रही है या अन्य क्षेत्रों में भी उनको ये समस्या आ रही है? ये सवाल है सभी मतलब सोहन से लगभग सभी को, हमारे कास्ट के सभी को ही प्रॉब्लम आ रही है कि जब जाति प्रमाण पत्र बन ही नहीं पाएगा तो मैम ना ही स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो पाएगी, आप कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, हायर एजुकेशन में भी आपको जनरल कैटेगरी में ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो ये तो सभी में हर सभी लेवल में मैम ये समस्या आ रही है, सभी को ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उन्हीं को समस्या है या जो जो जॉब लेना चाह रहे हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे जॉब लेना है मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसा ये नहीं मैम, ये लगभग सभी को है। हमारे बहुत सारे बच्चे या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही पढ़ रहे हैं। जी मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में पढ़ रहे हो तो स्कूल में जो आपको स्कॉलरशिप या फ्रीशिप दी जाती है वो भी सरकार खा जा रहा है, हम लोगों को वो भी सुविधा ये लोग ये नहीं दे रहे हैं। यस मैम, जैसे संदीप ने तो आपको बता ही दिया कि बीएड भी उन्होंने जनरल कैटेगरी में ही की है, राहुल ने भी आपको बताया कि उन्होंने भी एमबीए अपनी जनरल कैटेगरी में की है, स्कॉलरशिप की तो फिर बात ही नहीं आ रही, जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को झेलनी पड़ ही रही है क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि माता पिता हायर एजुकेशन के लिए आपको प्रोवाइड करे 1-1.5 लाख रुपया, तो या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स कर्जे में दबते जाएंगे। तो हम आपकी बात से मैं प्रमोद जी भी निशा प्रमोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
प्रमोद जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, आपने हैंड अरेंज किया। मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि जितनी देर से मैं इन सबको सुना तो हमें उतने भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी चिट्ठी पत्री किए हैं अभी तक जो हुआ है, जैसा सोहन जी कह रहे थे कि एसडीओ ने सीओ को आदेश दिया है और सीओ को ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देख कर या कुछ अपना जांच पड़ताल करके वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी थोड़ी सी जीत हुई है, जो भी हम लोगों ने पत्राचार किया है ये जीत हुई है हमारी, ठीक है। तो ये जितने भी पत्र निर्गत हुए हैं, जो ऑफिशियल लेटर निकला गया है एसडीओ के नाम पे और सीओ के नाम पे, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर फिर से एक चिट्ठी बना के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और इसको उसके साथ इनक्लोज करेंगे, ठीक है। अगर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो जो आप बृहद आंदोलन की बात कर रही है वो जरूरी है, क्योंकि भारत को भी देखिए मैडम, आजादी ऐसे नहीं मिली थी 200 साल इसे, क्यों वो था भारत गुलाम, क्योंकि लोग लड़ रहे थे लेकिन अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे और अकेले लड़ रहे थे। बाद में जब सब लोग संगठित हुए, सारे लोग एक पैरामीटर में आए, एक बिंदु पर केंद्रित हुए, तब हमें आजादी बहुत जल्दी मिल गई, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि हमें, हमारी जीत तो हुई है पत्राचार के माध्यम से, जिन लोगों ने भी पत्राचार किया है, मेहनत की है, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, जीत तो हुई है, क्योंकि एसडीओ को परमिशन मिला, सरकारी आदेश उसको मिला कि आपको बनाना है, एसडीओ ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी सीओ को बोला कि आपको बनाना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीत हुई है। बस ये है कि जैसा सोहन जी ने ये भी कहा कि पेपर वो लोग फाइल दबा देते हैं, तब उस पेपर को निकालना है और हम लोगों को उस पे क्लेम करना है, मुख्यमंत्री के जो लेटर में हम ये भी लिखेंगे कि जब एक बार आदेश पारित हो चुका है तो फिर बार बार इन समस्याओं को से क्यों रूबरू होना पड़ता है हमारी जात के लोगों को, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो मीडिया का भी सहारा लेंगे। मैं सबसे टिप्पणी लेना चाहूंगी दो दो मिनट के लिए, सिर्फ दो से मिनट में आप लास्ट मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सिर्फ दो दो मिनट में आप जवाब देंगे लास्ट। स्वच्छकार समाज, झारखंड का स्वच्छकार समाज और जाति प्रमाण पत्र अंतिम सुझाव के रूप में आप सब अपना अपना सुझाव दीजिए। सोहन जी। मैम सुझाव तो बहुत सारे हैं कि एक तो हम अपने अधिकारी के लेवल पे ही उस काम को अगर जल्दी से जल्दी करवा लें तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो एक तरफ तो हम सामाजिक आंदोलन ही करेंगे, सामाजिक आंदोलन भी करेंगे और साथ में साथ हम उसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए रिट भी दायर किया जाना चाहिए मेरे तरफ से। तो मैम जी, संदीप जी क्या समाधान दिखाई देता आपको झारखंड का स्वच्छकार समाज और जाति प्रमाण पत्र? मैम सबसे पहले मेरे हिसाब से तो पहले हम लोग को सीओ पे प्रेशर करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी निर्गत करे। अगर सीओ निर्गत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मुख्यमंत्री को एक बार आवेदन जरूर देना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री को आवेदन देने के पश्चात भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तब हमें कोर्ट जाना जरूरी है। जी एडवोकेट पंकज रवि, स्वच्छकार समाज जाति प्रमाण पत्र दो मिनट में आप सुझाव दीजिए, क्या क्या सुझाव देंगे? देखिए मैम अगर इसके दो तरह के सुझाव हो सकते हैं, एक टेम्पोररी सोल्यूशन और एक हो सकता है अस्थाई सोल्यूशन। तो उसमें अगर टेम्पोररी अस्थाई रूप में अगर देखें तो हम ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को लेटर दे सकते हैं या पीआई दर्ज कर सकते हैं, ये हमारा टेम्पोररी सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन बीच में अगर सरकार बदलती है तो किसका क्या मंशा होती है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इसकी हम अस्थाई समाधान अगर चाहते हैं तो स्थायी समाधान हम भारत में किसी भी जाति जो है वह अकेले बलबूते पर कोई भी विधायक और सांसद नहीं बना सकती है। तो हमें पूरे शेड्यूल कास्ट या विभिन्नियों के साथ आंदोलन एक साथ मिल करके करें, और जब तक हम आंदोलन मिल करके एक साथ नहीं करेंगे तब तक ये असली रूप से सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकेंगे, विधानसभा पर कब्जा नहीं हो सकेगा, और जब विधानसभा और लोकसभा आपका कब्जा नहीं होगा आपका कभी भी आपका तो क्या किसी भी जाति का कोई भी सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो मेरा ये है, मेरा अंतिम सुझाव ये है कि हमें विभिन्न जातियों के साथ जो भी एसटी एससी ओबीसी के जातियों के साथ मिलकर आंदोलन करें और उस आंदोलन के साथ हम इस पहचान को, इस सत्ता को हासिल करें, तभी हम अपने लिए अपने कुछ कर सकते हैं। प्रमोद जी सुझाव दीजिए अंतिम। प्रमोद जी। हाँ जी मैम। सुझाव दीजिए। मेरा बस एक ही सुझाव है मैडम कि कलम की ताकत से ही हम इसको पा सकते हैं, तो हमें अपने कलम की धार को और मजबूत करना होगा। मेरी तरफ से बस इतना सुझाव है। विवेक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, आप क्या सुझाव देंगे?
मैम मैं यही सोचता हूँ कि जो प्रॉब्लम आज हमारे समाज के तबके के झारखंड के हिस्से पे आई हुई है वो आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि दिल्ली जैसे शहर तक भी पहुंच जाए उसकी लग के जो आग लगी हुई है वहाँ पर। और मैम जो स्थायी रूप से हमारे पास अभी पास सर्टिफिकेट है इस पर अभी कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसी केसेस हमारे पास आ जाएं कि सरकार उनको भी अमान्य ठहरा दे। तो यही इसका एक सलूशन मुझे नजर आता है कि हम एक एकजुट हों, संगठित हों और एक मुहिम की तरह इसको लिया जाए पूरे देश में और इसका एक परमानेंट सलूशन सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार के द्वारा दिया जाए। झारखंड का वाल्मीकि समाज का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव देना चाहेंगे हमारे पास एक संवैधानिक ताकत है झारखंड के सभी साथियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि आरटीआई के रूप में हमारे पास में एक संवैधानिक हथियार है जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानकारी जुटा सकते हैं। हम लोग ने जो बात की कि हर सीडीओ को और कई कई लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की पूर्तता की है तो ये देने के बावजूद जो है हमारा जाति प्रमाण पत्र का काम क्यों नहीं हो रहा है? एक आरटीआई डालकर हम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। और कौशल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, यदि इसके बावजूद भी हमारा काम नहीं होता है तो जन आंदोलन जो है वो एक आखिरी रास्ता बन जाता है। सोहन अंतिम टिप्पणी दीजिए, आप इस पूरे प्रोग्राम को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको दूसरे राज्यों की जरूरत है इसमें? मैं मुझे ऐसा लग रहा था मेरी तरफ से ये सोहन को सुझाव है और तमाम झारखंड के जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस चर्चा को सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस सवाल को ज्यादा जोर शोर से उठाने की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम सड़कों पर नहीं उतर सकते। सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रोंग है कि आप अगर यहाँ चर्चा करते हैं तो उसकी आवाज झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उस तक भी पहुंचेगी। मुझे ये उम्मीद थी कि आप लोग ये भी सुझाव देंगे लेकिन मेरी तरफ से आप नौजवानों को ये सुझाव है कि मैक्सिमम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, फिजिकल डिस्टेंस बनाते हुए सरकार के ऊपर दबाव डालिए। आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होगा, उस इलेक्शन को आप प्रभावित करने की ताकत झारखंड का वाल्मीकि समाज रखनी चाहिए, उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जो युवा है, युवा चाहे तो इस समस्या का समाधान सोशल मीडिया पे भी अगर आप स्ट्रॉन्गली रन करेंगे तो मुझे लगता है वाल्मीकि समाज को सर्टिफिकेट बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन जी मैम, जो आपने जो कहा मैम, मैं उनके साथ सहमत हूँ क्योंकि आज का जो टाइम है मैम वो मीडिया का, सोशल मीडिया का ही टाइम है। अधिक से अधिक ज्यादा आवाज हम अपनी सोशल मीडिया में उठा सकते हैं कि जो मेन मीडिया स्ट्रीम है वो तो आपके बारे में बात करेगा नहीं, तो इसलिए हमारे लिए एक ही मात्र उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस जो हमारा जो समस्या है उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। यहाँ तक कि हेमंत सरकार बहुत ही जोर, मतलब ट्विटर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत सर, हम उनको ट्विटर में भी ट्वीट कर सकते हो। कई बार मैंने इस विषय पर उनको ट्वीट भी किया है लेकिन संख्या बल कम होने के वजह से, फॉलोवर्स कम होने के वजह से ये सारी बातें उनके उन तक पहुंच नहीं पाती, तो ये सारी समस्या तो आ ही रही है मैम। जी मुझे लगता है कि अगर आप सब हम सब मिलके सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो मुझे लगता है ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि 2016 से पहले तो आपका सर्टिफिकेट बन ही रहा था। रघुवर की सरकार ने अगर उसको बनाया है तो हेमंत सोरेन की सरकार उसको रिवर्ट कर सकती है। यस मैम, उन पर उनके राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है, बशर्त है कि झारखंड का वाल्मीकि समुदाय अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर उतरे। मुझे लगता है एक बात मेंशन करना चाहूंगा मैम, लास्ट बताइए, मैं फिर चर्चा को विराम देना चाहूंगा। इस विषय पे हेमंत सरकार के पिताजी है जो सीबी सोरेन, जो जेएमएम के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो वापस से 1932 वाला खतियान जो लाएंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा था क्योंकि उस समय, उससे पहले की सरकार, 2016 से पहले की सरकारों में क्या होता था कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता था, हमको रोक दिया जाता था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, झारखंड की जो मूल निवासी है, जो ट्राइबल्स है, उनके हितों की रक्षा की जाए।
और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर राज्य सरकार को अपने मूल निवासियों के हितों की रक्षा करनी ही चाहिए। तो पहले क्या होता था कि हमारा आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनता था, तो इस वजह से हम स्टेट की नौकरियों में हम उसका लाभ नहीं ले पाते थे, क्योंकि उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हो जाता, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनने में कोई समस्या नहीं आती थी। तो इससे क्या होता था कि हम शिक्षा भी ले पाते थे इंस्टीट्यूशन में, और इसके साथ ही सेंट्रल की जो नौकरियां हैं, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेंट्रल की नौकरियां आती है, उनमें हम अपना जाति प्रमाण पत्र से आराम से वो जॉब भी ले लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से ये सोच रही है बीजेपी की, रघुवर सरकार की, कि यहाँ के जो जनरल कम्युनिटी है, यहाँ झारखंड के जो जनरल कम्युनिटी है जिनका आवासीय प्रमाण पत्र उस समय नहीं बन पा रहा था क्योंकि 32 का खतियान लग रहा था, तो उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस जो कट ऑफ डेट को, इसको जो रेसिडेंशियल का कट ऑफ डेट को 83 किया गया, 1983, जिससे कि वहां का आवासीय प्रमाण पत्र बना ले, और वो तो पहले भी जनरल कैटेगरी में थे, अब भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो इजीली वो यहाँ स्टेट की नौकरी में अप्लाई भी कर पा रहे, और रिसोर्सेज के मामले में उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो वो आराम से अपना जनरल कैटेगरी में ही अपना निकाल पा रहे हैं, और हमारे लिए समस्या ये हो जा रही है। आपको विराम देना चाहेंगे इस आशावादी रूप के साथ कि सरकारें सामाजिक न्याय के सवाल को देखते हुए वाल्मीकि समाज की इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दे, और ज्यादा सरकार की तारीफ नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर शिबू शरण इतना ही हितों की रक्षा करने वाला होता तो अब तक इसका समाधान निकल जाना चाहिए था, जो नहीं। जी मैं उस बात से सहमत। ठीक है, तो खैर बहरहाल हमारे ही तमाम लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और हमारे अपने ही दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो साथ में हैं, वो सारे के सारे इन चीजों को जो सुन रहे हैं, वो एक तरह से हम इन चीजों को देखते हुए झारखंड में जो वाल्मीकि समाज की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान निकालेंगे ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से। पंकज जी हमारे साथ कोर्ट के एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया कि कोर्ट के माध्यम से भी हम इसमें जा सकते हैं, और तमाम सामाजिक संगठनों और सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का और इस आशावादी रूप के साथ कि झारखंड का वाल्मीकि समाज अकेला नहीं है, पूरे भारत का स्वच्छकार समाज, पूरे भारत का वाल्मीकि समाज आपको आपकी समस्या में आपके साथ है। ये जो जो स्टेट्स की जो समस्या है, इसको हमें स्टेट की तरफ ना देख के तमाम उन लोगों की तरफ देखने की जरूरत है जो हम वाल्मीकि समाज की समस्या के लिए एकजुट होकर उनकी वोटों के दम पर और उनके रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से वो जो एजेंसीज में बैठे हैं वो इस चीज को बड़ी शिद्दत से महसूस करें और इसका समाधान निकालें। पूरा का पूरा राष्ट्र जो एक तरह से बार बार स्वच्छकार समाज को या सफाई कर्मी को बड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक लॉकडाउन के समय में निकाल रहा है, तो कम से कम इस लॉकडाउन के समय में उस वाल्मीकि समाज को जो आपके लिए, जो कोरोना संकट में भी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, आप उनको सर्टिफिकेट तो बनवाएं। ये हमारी इस पैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार को भी और राज्य की सरकार को भी ये एक तरह से निवेदन है कि वो इस समस्या का तुरंत समाधान निकाले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समानता के अधिकार को और जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, उस प्रतिनिधित्व के सवाल में हम भी उस योग्य बने ताकि हम उस प्रतिनिधित्व का एक हिस्सा बने, और तमाम हमारा दलित जो समाज है वो आपके साथ है, जो लोग जो इस चर्चा को सुन रहे हैं वो संवेदनशील होंगे इस मुद्दे पे कि एक खास वर्ग को आप कैसे इतना दूर रख सकते हैं। ये केवल झारखंड की समस्या नहीं है, महाराष्ट्र की भी समस्या है। अगली बार हम पैनल में जो डिस्कशन करेंगे वो महाराष्ट्र के वाल्मीकि समुदाय का जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा इस पे करेंगे। निशा जी हमारे साथ महाराष्ट्र से होंगी और तमाम पैनलिस्ट होंगे, इसी कड़ी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग झारखंड के लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे, उसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चैनलों का इस्तेमाल करते हुए सरकार से और आपके हमारे स्वच्छकार समाज की आवाज के चैनल की तरफ से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत इस समस्या का समाधान हो और हमारे विद्यार्थी भी शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ आज इस चर्चा में भागीदारी हुए, निशा जी थी महाराष्ट्र से, विवेक दिल्ली से, और तमाम फेसबुक के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं वो मेरे यहाँ
जो नेटवर्क की समस्या है इसलिए मैं उनको नहीं देख पा रही, इसलिए आज हम उन सवालों को नहीं लेंगे, अगली चर्चा में फिर हम आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना संकट अभी गया नहीं है, अभी भी अपने प्रचंड रूप में है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है, जो एक सर्टिफिकेट बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। तब तक के लिए बेहद शुक्रिया आप सबका, आप तमाम पैनलिस्ट का और तमाम दर्शकों का, स्वच्छकार समाज की आवाज आप सबका आभार व्यक्त करती है। जय भीम, जय भारत, जय भीम मैम।